ये देखिए मेरे चाय के संग पनीर पकौड़ा तैयार है, खाइए खिलाइए और अपने अनुभव malaj@gmail.com में। मैंने इस बेसन में बेसन घोला था, मैंने बेसन जब फेंट रही थी तब मैंने नमक और मिर्ची और थोड़ा सा सोडा बाइकार्ब दिया था, चुटकी 1 pinch सोडा बाइकार्ब देके मैंने फेंटा था इसको। सोडा बाइकार्ब फेंटने के बाद आप दोगे, जबकि इसको कढ़ाई में देना होगा पनीर की, ये पनीर पकौड़ा, तब आप सोडा बाइकार्ब दे करके फिर एक बार फेंट करके तब दीजिएगा। अच्छा आप ट्राई कीजिएगा घर में, देखिए मैं एक बार तोड़ के दिखाती हूँ आपको, ये तोड़ के दिखा रही हूँ, एक मिनट, इस तरह से गर्म है अभी तो मैंने इसको काट लिया। ये देखिए ये पनीर पकौड़ा, ओके ये पनीर पकौड़ा, ये देखिए ये चिली फ्लेक्स के संग आप लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, अगले रेसिपी पे फिर मिलूंगी।